भारत में सहकारी समितियां जर्मनी की सहकारी समितियों के मूलभूत ढांचे को के आधार पर बनी थी। जर्मनी में सभी प्राथमिक सहकारी समितियां किसानों को तीन सेवाएं प्रदान करती हैं। पहली, जो इनपुट्स किसान यूज़ करते हैं और काम में लाते हैं। दूसरा, जो ऋण उनको चाहिए होता है। और तीसरा, किसान जो अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं उसमें उनको सहकारी समिति की क्या सेवाएं चाहिए। ये तीन सेवाएं जो जर्मनी की प्राथमिक सहकारी समितियां अपने किसानों को देती हैं, अधिकतर भारतीय सहकारी समितियां ये सेवाएं नहीं प्रदान कर रही थी और सिर्फ ऋण के ऊपर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करती थी। यहाँ पर हमने देखा कि रायगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि वे ये तीनों सेवाएं अपने किसानों को दे सकें, और इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य कदम उठाए, कुछ अपनी ओर से और कुछ नाबार्ड की सहायता से। चाहे वो स्वयं सहायता समूह बनाना हो, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाना हो, किसान क्लब बनाना हो, या नई तकनीक और टेक्नोलॉजी को आधार बनाते हुए अपने बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लाना हो, एटीएम्स शुरू करना हो, या अपने बैंक के मूलभूत ढांचे में कुछ परिवर्तन करते हुए उनकी जो सहकारी समितियों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन लाना हो। तो ये कुछ ऐसे नायाब कदम थे इस सहकारी बैंक ने उठाए जो उसे अब अपने किसान भाइयों की और अधिक सहायता और सेवा करने में सक्षम बनाते हैं। तो हमने सोचा कि रायगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर एक छोटी सी फिल्म बनाई जाए ताकि देश के दूसरे सहकारी बैंक भी उससे कुछ सीख सकें और इसी तरह के अपने कदम उठाने में उनको कुछ प्रोत्साहन मिल सके। तो आइए देखें कि रायगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया। नवोन्मेषण और उत्कृष्टता के माध्यम से सहकारी बैंक को मार्गदर्शन, रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक एक प्रमुख जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक है। इसका प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में है। ये बैंक जिले के 15 तालुकाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जिले की कुल जनसंख्या 22.08 लाख है, जिसमें किसान, मछुआरे, ग्रामीण शिल्पकार, बेरोजगार युवक, श्रमिक एवं अन्य शामिल हैं। नवी मुंबई के पास होने के कारण न केवल अलीबाग में बल्कि पनवेल, उरण, पेण और कर्जत का भी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। प्रारंभिक वर्ष। रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की स्थापना 1960 में हुई। अपने सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक सस्ती दरों पर सेवाएं प्रदान कर क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा है। रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सही मायने में सहकारिता की जड़ों से जुड़ा हुआ है। श्री जयंत पाटिल ने 1997 में रायगढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। उनके सक्षम नेतृत्व में बैंक विभिन्न सुधारात्मक उपाय और नए नए कार्य करता आ रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का समामेलन एक नवोन्मेषी उपाय। रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने 1997 में इस क्षेत्र के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। उस समय 473 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कुल व्यवसाय मात्र 2 करोड़ रुपए का था। वसूली और सदस्यता काफी कम थी। इसके अलावा कार्य के प्रति प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सचिवों का व्यवहार सकारात्मक नहीं था। वे बार बार वेतन बढ़ाने की मांग करते थे और हड़ताल पर चले जाते थे, जिससे किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधाएं बाधित हो जाती थी। सर्वपक्षाना विश्वासात घेऊन सभी राजनीतिक पक्षों की सद्भावना से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विलय का निर्णय ऐतिहासिक था। विलय की प्रक्रिया आरंभ करने से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या के घटने से बैंक को अनेक फायदे हुए हैं। हमने अपने बैंक के तुरंत पत्र यानी बैलेंस शीट में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी किया है। बैंक के कर्मचारियों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सचिव के रूप में तैनात कर हमने इनकी मजबूती के प्रयास किए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के राजनैतिक संबंध होने के कारण रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा की और विचार विमर्श करने के बाद
विवेकपूर्ण ढंग से इसका रास्ता निकाला। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विलय की प्रक्रिया की एक अद्भुत विशेषता ये थी कि संपूर्ण प्रक्रिया स्वैच्छिक बनाई गई और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कार्यक्रम में शामिल होने या न होने की पूरी छूट दी गई। सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को विलय का अंतिम निर्णय लेने के लिए 2 माह का समय दिया गया। विलय के बाद भी अव्यवहार्य पाए गए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बंद कर दिया गया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में पाए गए व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए जिला सहकारी बैंक ने अपने संसाधनों से एक असंतुलन कोष तैयार किया। साथ ही सेवा से वंचित क्षेत्रों को नई एकीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2001 में 473 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विलय कर 171 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में परिवर्तित किया गया। अब तक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में कार्य कर रहे 179 सचिवों का स्थान 45 बैंक स्टाफ सदस्यों ने ले लिया। इस कदम से प्रबंधन खर्च में कमी आई और कार्य दक्षता में सुधार हुआ। बाद में भारत सरकार के अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना पुनरुद्धार पैकेज के अनुसार उनकी संचित हानि को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। बैंक का व्यवसाय 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 40.20 करोड़ हो गया। सदस्यता 85,000 से बढ़कर 1.39 लाख हो गई और जमा राशियां 35 लाख रुपए से बढ़कर 4.2 करोड़ रुपए हो गई। प्राथमिक कृषि ऋण समिति की ऋण देने की क्षमता 95 लाख रुपए से बढ़कर 36 करोड़ रुपए हो गई और वसूली 100% हुई। बैंक ने 171 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का 107 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में विलय करने की योजना बनाई है। बैंक ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सेवाओं का उपयोग बिजली बिल कलेक्शन और बैंक के जमा संग्रहण केंद्रों के रूप में कार्य करने की योजना बनाई है। बैंक रियायती दरों पर गोदामों के निर्माण के लिए भी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को उपदान सब्सिडी के साथ ऋण उपलब्ध कराएगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की गतिविधियां बैंकिंग प्रतिनिधि की गतिविधियों के समान है। बैंक की सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बैंकिंग प्रतिनिधि में परिवर्तित करने की योजना है। चूंकि लेखा कार्य जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के स्तर पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी CBS प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, इससे प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जोखिम मुक्त होंगी और सदस्य भी बैंकिंग प्रणाली के ATM नेटवर्क और बैंकिंग प्रतिनिधि के हैंडहेल्ड POS उपकरण का आसानी से उपयोग कर पाएंगे। कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग सेवाएं। जिले में वाणिज्य बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष और निदेशक मंडल ने बैंक के कंप्यूटरीकरण का निर्णय लिया। 1998-99 में बैंक मैनुअल लेखांकन से सकल ब्रांच ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म में परिवर्तित हो गया, अर्थात लेखांकन का सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभ में शाखाओं से जानकारी मंगवाकर प्रधान कार्यालय में शाखा के खातों का समेकन मैन्युअली किया गया। लागत में कमी और आसान अनुकूलन के लिए बैंक ने स्वयं के प्रोग्राम डिजाइन करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए बैंक ने 6 सदस्यीय दल का गठन किया और बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोग्राम विकसित करने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को नियुक्त किया। तकनीकी योग्यता प्राप्त 4 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में 55 शाखाओं के 320 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया और 2003 तक प्रधान कार्यालय सहित बैंक की सभी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया। उस समय तक वाणिज्य बैंक CBS प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। 2008 में रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने अपने दैनंदिन कामकाज में भी CBS अपना लिया। इसके लिए बैंक ने सर्वप्रथम योग्यता प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों की भर्ती कर
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का पुनर्गठन किया। सीबीएस प्रणाली लागू करने के लिए पुराने दल के 3 सदस्य और 3 नए सदस्यों की भर्ती कर एक नए दल का गठन किया। प्रारंभ में प्रशिक्षण और डेटा माइग्रेशन भर्ती दोनों में चुनौतियां थी। प्रधान कार्यालय के दल ने डेटा माइग्रेशन के लिए सभी शाखाओं का दौरा किया और सितंबर 2008 में प्रारंभिक प्रक्रिया जुलाई 2009 तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। बैंक में कर्मचारी और मशीन का अनुपात 1:1 था। प्रधान कार्यालय के सभी स्टाफ को लैपटॉप दिए गए हैं। अपने कार्यकलापों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अपनाए जाने से बैंक की सेवाओं में व्यापक सुधार आया है। सीबीएस से ग्राहक इसकी ओर आकर्षित हुए जो पहले अन्य वाणिज्य बैंकों के साथ बैंकिंग व्यवहार कर रहे थे। इससे बैंक में एकल ग्राहक पहचान प्रदान करने में सहायता मिली। परिणाम स्वरूप अब ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा से अपनी इच्छानुसार लेन देन कर सकता है। इससे ग्राहक संतुष्ट हुए। मुख्य कार्यपालक सभी MIS रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं और दैनिक आधार पर शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय के कार्य की ऑनलाइन समीक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक स्टाफ सदस्य को अलग अलग ईमेल आईडी दी गई है। इससे प्रधान कार्यालय से जारी सभी आंतरिक परिपत्र शाखा प्रबंधक और फील्ड स्टाफ को ईमेल से प्राप्त हो जाते हैं। बैंक से संबंधित सभी जानकारी बैंक की वेबसाइट www.rdccbank.com पर उपलब्ध हैं और नियमित रूप से इसे अद्यतन किया जाता है। मानव संसाधन नीति। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए नाबार्ड के कार्यदल की मानव संसाधन नीति की अनुशंसाओं के आधार पर बैंक की स्पष्ट मानव संसाधन नीति है। कंप्यूटरीकरण के बाद बैंक ने इष्टतम स्टाफ स्तर का आकलन किया और सक्षम स्टाफ सदस्यों की सेवा जारी रखना सुनिश्चित किया। स्टाफ के साथ प्रबंधन का परामर्श और व्यक्तिगत रूप में बातचीत से 2004-2005 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लागू करने में सहायता मिली। 41 लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। आज बैंक के प्रशासन में हमने बहुत सुधार किए। पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बैंक में कर्मचारियों की संख्या 1200 थी। हमने कर्मचारियों की संख्या घटाकर 300 कर दी। जब कर्मचारियों की संख्या 1200 थी तब बैंक का व्यापार 40 करोड़ रुपए था। कर्मचारियों की संख्या कम करने के बाद आज बैंक का व्यापार बढ़कर 2200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मित्रा समिति अनुशंसित 436 के समक्ष आज रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में स्टाफ की संख्या 320 है। बैंक के स्टाफ ने स्वयं वर्दी अपनाई है और स्टाफ सदस्य स्वयं इसका खर्च वहन करते हैं। आपसी सहमति से वर्दी यानी यूनिफॉर्म का डिजाइन, रंग और बनावट इत्यादि का निर्णय किया जाता है। उत्तम अधिशासन सिद्धांत। बैंक में निदेशक मंडल के 26 सदस्य हैं जो व्यावसायिक योग्यता रखते हैं और उनकी औसत आयु 40 से 45 वर्ष है। महीने में एक बार निदेशक मंडल की बैठक की जाती है। इस बैठक में सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नीतियों में परिवर्तन एवं नई नीतियां शुरू करने से संबंधित मद बैठकों की कार्यसूची निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच समय रहते परिचालित की जाती है। आगामी बैठक की तिथि और कार्यसूची को हमेशा निदेशक मंडल की बैठक के अंत में तय की जाती है। सहकारिता के सिद्धांतों के सुदृढ़ आधार पर व्यावसायिक उद्यम के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। इन उपसमितियों के सदस्यों में फिर बदल किया जाता है। प्रबंधन। जब प्रदीप नाइक ने 2001 में रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया था तो कम वित्त पोषण और वसूलियां, मानव संसाधन, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, कमजोर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जैसी समस्याएं थी। श्री नाइक ने बैंक की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं में भारी बदलाव लाने के लिए परिवर्तन प्रबंधक यानी चेंज मैनेजर की भूमिका निभाई।
रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आज पूरे राज्य में अग्रणी बैंक होते जा रही है। हमारी जी कॉम्पिटिशन है, ये हमारी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनके साथ में है। इसीलिए हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने CBS के जाने का डिसीजन लिया और ये अच्छी तरह से हम लोगों ने करके भी दिखाया। CBS होने के बाद में जो हमारे लोगों का, हमारे वर्कर्स का जो माइंडसेट था वो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि ISO 9001:2008 प्रोसेस के बाद में हम लोगों ने हमारी पॉलिसीज निश्चित कर ली और हम लोगों ने वो पॉलिसीज के मुताबिक ही काम करना शुरू कर दिया और इसलिए हमारी काम की जो गुणवत्ता जो है वो अच्छी तरह से बढ़ गई और हम लोगों का काम ज़्यादा अच्छी तरह से होना चालू हो गया। आंतरिक अधिशासन किसी वित्तीय सहकारिता के लिए प्रमुख चुनौती होती है। बैंक ने ध्यान केंद्रित किया है बैंकिंग और सहकारी स्वरूप व्यवसाय पर। चूंकि अधिकांश बैंक पहले से ही कोर बैंकिंग पटल पर हैं, रायगढ़ जिला सहकारी बैंक भी अब प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। इससे कई अन्य लाभ हुए हैं, जैसे 60 दिन निर्धारित अवधि से पहले ही अनर्जक आस्तियों NPA की समीक्षा, समय की बचत, व्यवसाय में विस्तार, बेहतर वित्तीय नियंत्रण और सभी शाखाओं में पद्धतियों का एक समान पालन। परिणाम स्वरूप आज रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक किसी भी अन्य आधुनिक वित्तीय संस्थान के बराबर है। व्यावसायिक पहल, व्यवसाय विस्तार के लिए इच्छा शक्ति और बैंक प्रबंधन द्वारा विकास रणनीति अपनाने की आवश्यकता थी। इन वर्षों में बैंक ने आय के नए अवसर खोजने की और गैर परंपरागत गतिविधियों में भिन्नता लाने की आवश्यकता महसूस की। बैंक ने कई नई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। हमने एल्यूमिनियम से बनी नावों की मरम्मत करने के उद्देश्य से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ साथ हमने एल्यूमिनियम नाव बनाने की तकनीक हासिल कर ली और नाव बनाने लगे। हमने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को 14 एल्यूमिनियम नावों का निर्यात किया। हमें महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस से 29 हाई स्पीड एल्यूमिनियम नावों की आपूर्ति का ठेका मिला है। रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की वित्तीय सहायता और सहयोग से हम इस ठेके को पूरा कर पाए। इस ठेके ने हमें भारत में एल्यूमिनियम नाव बनाने वालों की श्रेणी में पहले स्थान पर स्थापित कर दिया है और दुनिया भर में हमें मान्यता मिली है। बैंक ने वर्ष 2005 में स्वयं सहायता समूहों के गठन और ऋण सहबद्धता का कार्यक्रम प्रारंभ किया। अभी तक बैंक ने निदेशकों, स्टाफ सदस्यों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सहायता से 9,437 स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, जिनमें 94,960 महिला सदस्य हैं। जब भी हमें आवश्यकता हुई, रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने हमें मशीनों की खरीद के लिए ऋण दिया। इसके चलते हमारे स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाएं इस आजीविका परियोजना को चलाने के लिए संगठित हो सकी। इसी तरह आसपास के गांवों की 120 महिलाएं इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है। हमें साल भर का काम मिलता है। हम अपने अपने परिवारों को चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। बैंक स्वयं सहायता प्रसारक संस्था के रूप में कार्य करता है और इसके लिए नाबार्ड से सहायता मिलती है। बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए आजीविका अवसरों से स्वयं सहायता समूह काफी बेहतर सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठा रहे हैं और जिले में आयोजित बैंक मेलों में बैंक स्टॉल प्रदान कर उनको अपने उत्पाद को बेचने में सहायता कर रहा है। अब बैंक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सुदृढ़ बनाने की योजना बना रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सुदृढ़ बनाने एवं ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के ऋण संवितरण में सुधार करने की बैंक की योजना है। इसके साथ बैंक ने जिले के घर घर तक पहुंचने के लिए ग्राम दत्तक योजना आरंभ की और इस प्रकार वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को अपनी गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बनाया है। बैंक संयुक्त देयता समूहों और कृषक क्लबों के गठन में भी अग्रणी रहा है। पिछले वर्षों में
बैंक ने सदस्यों को संसाधनों और ऋण अनुशासन के लिए पहले बचत दृष्टिकोण के आधार पर विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और मांग निर्धारित उत्पादों के साथ उन ग्राहकों को अपना ग्राहक बनाकर अपने सुदृढ़ व्यवसाय का आधार विकसित किया है, जिन तक अभी बैंकिंग पहुंची नहीं थी और जिनके साथ बैंकिंग की जा सकती थी। स्टाफ सदस्यों से प्राप्त सुझावों, ग्राहकों से मिली प्रतिसाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और महिला विकास के प्रयासों से बैंक ने नई सेवाएं एवं उत्पाद शुरू किए। नए प्रयास। हाल ही में बैंक ने जिला सहकारी बैंक श्रेणी में भारत का प्रथम रुपे केसीसी एटीएम सह डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया। परिणाम स्वरूप कृषि संबंधी सभी प्रकार के ऋण रुपे कार्ड के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अब किसान एनपीसीआई के अंतर्गत 1,20,000 नेटवर्क वाले एटीएम से भारत में कहीं से भी नगदी निकाल सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र में बैंक कई मामलों में प्रथम है। महाराष्ट्र में 2010 में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 का प्रमाण पत्र दिया गया। बैंक पिछले 20 वर्षों से सतत रूप से न केवल लाभ कमा रहा है, बल्कि उसे सांवैधानिक लेखा परीक्षा में ए श्रेणी भी प्रदान की गई। बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्तियां 0 अर्थात इसका शुद्ध NPA 0% है। बैंक ने स्वयं को नए चिन्ह यानी लोगों के साथ पुनः प्रस्तुत कर एक नए युग की शुरुआत की। पुरस्कार ही पुरस्कार। हाल ही में रायगढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल को राज्य का सर्वश्रेष्ठ सहकारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में शीर्ष स्थान रखने वाले सहकारी बैंकों में रायगढ़ जिला सहकारी बैंक को आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक श्रेणी में लगातार पुरस्कार मिलता रहा है। बीते हर वर्ष के साथ बैंक ने अपने कार्य का क्षेत्र पुनः परिभाषित किया, बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं में सुधार किए, स्वयं नेतृत्व करने वाला दल तैयार किया। भारत में और विदेशों में सहकारिता क्षेत्र प्रबंधन और प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाया, उपयोगकर्ता के लिए आसान तकनीक को लागू किया और सेवा पटल यानी प्लेटफॉर्म तैयार किया और सामान्य से आगे निकल गए। पूरे जिले में फैली अपनी 55 शाखाओं के माध्यम से रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्थानीय क्षेत्रों और समुदायों से गहराई से जुड़ा हुआ है। बैंक दो विभिन्न पहलुओं के उत्कृष्ट गुणों का मेल है, स्थानीय जुड़ाव और सदस्यों के साथ विशिष्ट दक्षतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क और बड़ी संस्था की आर्थिकी, चाहे वो कॉरपोरेट अधिशासन, मानव संसाधन नीति, नए उत्पादों और सेवाओं की रूपरेखा और इनका कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी अपनाने, स्वयं सहायता समूह, कृषक क्लबों के गठन, ग्राम अंगीकरण जैसी सामाजिक पहल हो, ये सूची अंतहीन है। आज रायगढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के लिए समान रूपरेखा यानी डिजाइन और लेआउट और कैमरा CCTV युक्त परिसर के साथ आधुनिक सहकारी बैंक का प्रतीक प्रस्तुत कर रहा है। हमारे बैंक की प्रगति का प्रमुख कारण नाबार्ड है। हमने नाबार्ड के सिद्धांतों और मार्गदर्शन का सदैव पालन करने का प्रयास किया है। नाबार्ड ने हमारे प्रयासों की सराहना की है। नाबार्ड के सतत सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता गया है। हमारे बैंक को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए मैं नाबार्ड के अध्यक्ष और सभी अधिकारियों का अत्यंत आभारी हूं। आगे की योजना। प्रौद्योगिकी और कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी CBS में अन्य बैंकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अन्य सहकारी बैंकों के लिए सूचना आदान प्रदान यानी डेटा शेयरिंग केंद्र, सहकारी संस्थाओं के लिए स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर का विकास, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बैंकिंग प्रतिनिधि यानी BC के रूप में परिवर्तित करना, सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहु सेवा केंद्रों में बदलना,
कि अगर हम लोग हमारा मोटिव अच्छा तरह से रखते हैं, हमारा गोल अच्छी तरह से लगते हैं और हमारा फोकस अगर गोल है तो कोई भी यश हमसे दूर नहीं है। और हम लोग मानते हैं कि जब हम ये कर सकते हैं तो ये राज्य में या ये पूरे देश में कोई भी संस्था ये कर सकती है।